तो गाइज आप लोगों के लिए मैं एक और फैन थ्योरी लेकर आया हूँ, और इस फैन थ्योरी में मैं बात करूंगा अवेंजर्स 4 में थैनोस बस्टर आर्मर की पॉसिबिलिटीज को लेकर। साथ ही मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि इस आर्मर को कैसे बनाया जाएगा और इसके पावर्स क्या होंगे। ऑफ कोर्स ये एक फैन थ्योरी है, ऐसा मूवी में होगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट मेरी तरह एक सुपर हीरो फैन मूवी में ऐसा होते जरूर देखना चाहेगा। तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि हमारा टोनी स्टार्क हर एक मूवी में कई नए आर्मर बनाता है, और हमने अब तक आयरन मैन 1 के मार्क 1 से इन्फिनिटी वॉर के मार्क 50 तक 50 आर्मर देख लिए हैं, और अभी तक ऐसी एक मूवी भी नहीं हुई है जिसमें हमने टोनी का नया आर्मर नहीं देखा हो। तो उसी से मुझे ऐसा लगता है कि अवेंजर्स 4 में भला ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी नए आर्मर को ना दिखाया जाए, और इसी नए आर्मर के लिए थैनोस बस्टर ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि अब तो टोनी स्टार्क को भी पता है कि उसका मुकाबला किससे है और वो कितना पावरफुल और कितना खतरनाक है। तो अब बात कर लेते हैं थैनोस बस्टर आर्मर की। टू बी ऑनेस्ट, कॉमिक्स में ऐसा कोई आर्मर एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट ऐसे आर्मर जरूर हैं जो कि थैनोस को बड़े आराम से हरा सकते हैं, जैसे कि थॉर बस्टर आर्मर या फिर गॉड किलर आर्मर। उन आर्मर्स के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पे वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा किया जा सकता है कि कॉमिक से उन्हीं आर्मर्स का नाम चेंज करके एमसीयू में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, जैसा कि हमें इन्फिनिटी वॉर में ब्लीडिंग एज और मॉडल प्राइम आर्मर मिलाकर मार्क 50 दिखाया गया। तो अवेंजर्स 4 में थॉर बस्टर का ही नाम चेंज करके थैनोस बस्टर करना कोई बड़ी बात नहीं है। चलो मान लेते हैं कि थैनोस बस्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो इसके पावर्स क्या होने चाहिए। तो आप सबको ये तो पता ही होगा कि अवेंजर्स 4 के लीक प्लॉट के हिसाब से टोनी टाइम में पीछे जाकर या फिर अल्टरनेट डायमेंशन में ट्रेवल कर थैनोस से पहले इन्फिनिटी स्टोन्स लेने की कोशिश करेगा, जिसमें इसकी मदद करेंगे कैप्टन ब्रूस और स्कॉट लैंग। तो यहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन्स को थैनोस से पहले कैप्चर करने का एक ही मतलब हो सकता है, वो ये कि थैनोस ने जो कुछ भी इन्फिनिटी वॉर में किया है उन सबको रिवर्स करना। लेकिन जैसे थैनोस के पास इन्फिनिटी जेम्स को कंट्रोल करने के लिए एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट थी, वैसे ही टोनी के पास भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, और उसके लिए इस प्रॉब्लम के लिए भी आर्मर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि आप में से कई लोग ये बोलेंगे कि इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर्स को हैंडल करना एक आम मेटल के बने आर्मर के बस में नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो टोनी ऐसा पहले कर चुका है। जी हाँ, विजन इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, जिसे टोनी और ब्रूस ने मिलकर बनाया था, और वो इजिली माइंडस्टोन के पावर्स को कंट्रोल भी कर सकता था, एंड वो बना था सिंथेटिक वाइब्रेनियम और जार्विस जैसे एआई के कॉम्बिनेशन से। तो मुझे नहीं लगता कि टोनी के लिए ऐसा फिर से करना कोई बड़ी बात होगी, और अब तो उसके साथ ब्रूस भी है और शूरी भी और वाइब्रेनियम का पूरा भंडार भी। इस सूट को बनाने का एक और तरीका भी हो सकता है। अगर आपको इन्फिनिटी वॉर याद हो तो उसमें थॉर ने अपना नया वेपन स्टॉर्म ब्रेकर नेदावेलिर के ड्वार्फ A3 से बनवाया था, और वहाँ ये रिवील हुआ कि उसने ही थैनोस के लिए गॉन्टलेट भी बनाई थी। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज भी हैं कि इस बार फिर से टोनी के आर्मर बनाने में थॉर और A3 उसकी मदद करें, एंड फाइनली जब ये आर्मर बन जाए तो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके इस पूरे आर्मर को ही इन्फिनिटी गॉन्टलेट की तरह इस्तेमाल किया जाए, एंड हमें मिले थैनोस एंड थैनोस बस्टर के बीच की एक कमाल की फाइट। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं, बट ऐसा देखना मैं जरूर चाहूंगा। आप सब नीचे कमेंट करके बताओ कि आप थैनोस बस्टर आर्मर देखना चाहते हैं या नहीं। साथ ही मुझे उम्मीद है कि आपको ये फैन थ्योरी भी पसंद आई होगी। आज की लाइक टारगेट है 11,000 लाइक्स, तो अपने सुपर फिंगर्स का यूज करो और वीडियो लाइक करो। साथ ही ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी करो। आयरन मैन के अल्टरनेट वर्जन के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखो, और उसके टॉप 10 मोमेंट्स के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।